ये सर रूपा जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो एग्री कम्युनिटीज में हमने कल को सोयाबीन में भी गिरावट बनती देखी थी, सोयाबीन भी लाल निशान पर क्लोज होते नजर आई थी। वहीं हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज सोयाबीन में अचानक से 6500 के लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं, सोयाबीन में एकदम से तेजी बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के साथ बनती रहेगी? अखिलेश देखिए, सोयाबीन में तेजी ही है, हमने पहले भी बोला था कि इसमें ना बाजार जो है वो अपसाइड मोमेंटम में ही है। जो ये खबरें निकल कर आ रही थी ओमिक्रॉन की, उसकी वजह से एक बार थोड़ा सा दबाव आता हुआ जरूर दिखाई दिया था और इनफैक्ट सभी कमोडिटीज लुढ़कते हुए दिखाई दिए थी, लेकिन सोयाबीन का अपना फंडामेंटल काफी पॉजिटिव है, तो इसीलिए बाजार का जो है वापिस से रिकवर होना जो है वो दिखाई दिया है। और अभी इसके चलते भी अभी आप मान के चलिए सोयाबीन कोई बड़ी बात नहीं, नया हाई लगाता हुआ आपको दिखाई देगा, एडिबल ऑयल पैक में वापस से मूवमेंट आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इसकी क्रॉप काफी डैमेज है और अभी मंडियों में भी माल इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन की कीमतें कंटिन्यूशन में अपसाइड में ही बनी रह सकती हैं। जिस दिन भी गिरावट आती है उस दिन बाइंग की ही स्ट्रेटेजी लेकर इसमें चला जा सकता है। जी,